हेलो फ्रेंड, नमस्कार। देसी किचन में आपका स्वागत है। तो देखिए फ्रेंड, आज हम बनाएंगे साबूदाने की एक स्पेशल सी रेसिपी, जो एकदम सूप भी है और खिचड़ी भी है। जिसके लिए हमने एक बाउल साबूदाना लिया है, दो टमाटर, दो आलू और आधा लौकी और 5 से 6 हरी मिर्च, इन सबको। तो देखिए फ्रेंड, लौकी को हम सबसे पहले छील लेंगे इस तरीके से। तो देखिए, हमने लौकी को छील कर तैयार कर लिया है। इसी तरीके से हमें आलू को भी छील लेना है। दोनों आलू को हमें छील कर तैयार कर लेने हैं। तो देखिए फ्रेंड, लौकी और आलू मैंने छील कर धो लिए हैं और अब हम इनको काट लेंगे बारीक बारीक। आप अपने हिसाब से काटिए पीस में, जितने आपको रखने हैं, मोटे रखने हैं तो मोटे काटिए, बारीक काटने हैं तो बारीक भी काट सकते हो। तो देखिए फ्रेंड, इस तरीके से हम ये लौकी को काट लेंगे और इसी तरीके से अब हमें आलू को भी काट कर तैयार कर लेने हैं। तो देखिए, इसी तरीके से अब हम आलू के भी पीसेस बना लेंगे फ्रेंड। तो देखिए, आलू भी मैंने काट लिए हैं, आलू और लौकी दोनों काट कर तैयार कर लिए हैं। और अब हम हरी मिर्च और टमाटर को भी हमें काट कर तैयार कर लेना है। ये फ्रेंड हमारी बर्थ स्पेशल रेसिपी बना रहे हैं हम, ये हम बर्थ में बना रहे हैं। आप इस तरीके से इसको बर्थ में एक बार बनाइए और इंजॉय करिए। तो देखिए, हरी मिर्च हम इसी तरीके से काट कर तैयार कर लिए हैं और इसी तरीके से अब हम काटेंगे टमाटर को। ये जो टमाटर का लास्ट का पार्ट है, इसको अब हम हटा देंगे। और टमाटर के भी हमें बारीक बारीक पीस बना लेने हैं इस तरीके से फ्रेंड। आप भी इस तरीके से इनको सभी टमाटर को काट कर तैयार करिए। तो देखिए फ्रेंड, टमाटर भी मैंने काट कर तैयार कर लिए हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं गैस की ओर। एक ले लेंगे कुकर। तो देखिए फ्रेंड, ये बहुत ही जल्दी 2 सीटी में बनकर तैयार हो जाती है। आप इस तरीके से बनाइए। और ये डाल दिया है हमने 1 बड़ा चम्मच घी और 1/2 चम्मच लेंगे हम जीरा। जीरे को अच्छे से भून लेंगे, चटक जाने देंगे। अगर आप बर्थ में जीरा खाना पसंद करते हो तो फ्रेंड आप जीरा ऐड कर सकते हो, और नहीं खाते हो तो आप स्किप भी कर सकते हो। तो देखिए फ्रेंड, जीरा इस टाइम हमारा भूनकर तैयार हो गया है और अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर। टमाटर को डालने के बाद अच्छे से चला देना है और साथ ही मिला देंगे हरी मिर्च भी डाल देनी है हमें कुकर में। तो देखिए फ्रेंड, ये डाल दिया हरी मिर्च और इन्हें हल्का सा हमें भून लेना है, इन्हें हमें ज़्यादा नहीं भूनना है फ्रेंड। तो देखिए फ्रेंड, टमाटर और हरी मिर्च को मैंने भून कर तैयार कर लिया है और अब हम डाल देंगे इसमें जो हमने सब्जियाँ काट कर रखी है। ये व्रत के लिए बना रहे हैं तो हमने इसमें लौकी और आलू डाला है फ्रेंड। अगर आप नॉर्मली बना रहे हो तो इसमें और भी सब्जी ऐड कर सकते हो। और अच्छे से हमें सब्जी को भी 1 से 2 मिनट के लिए भून लेना है। तो देखिए फ्रेंड, इस तरीके से हमें इसे चलाते हुए भून लेनी है सब्जी को। इसमें हम, अगर आप लाल मिर्च खाना पसंद करते हो तो बर्थ में खाते हो तो आप लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हो। देखिए, ये साबूदाने को अच्छे से मैंने 2-3 बार धो लिया है और अब हम डाल देंगे इसमें साबूदाना भी। 1-2 मिनट के लिए इसको चलाते हुए पका लेंगे। इसे हम ज़्यादा देर नहीं पकाएंगे फ्रेंड, क्योंकि साबूदाना चिपकना शुरू हो जाता है। तो इसे 1-2 मिनट ही पकाना है। और अब हम इसमें डालेंगे पानी। 1 कटोरी साबूदाना लिया है तो इसमें 4 कटोरी के लगभग डालेंगे हम पानी भरकर। 4 से 5 कटोरी डाल लेना है फ्रेंड। अगर पतला बनाना है आपको सूप टाइप में तो 5 कटोरी डाल लीजिए। मैंने थोड़ी सी पतली बनाई है तो मैंने इसमें डाला है 5 कटोरी पानी। और अच्छे से इसको मिला लेंगे। तो देखिए फ्रेंड, 1 कटोरी पानी मैंने इसमें लास्ट में ऐड किया है। और अब हम इसमें डालेंगे नमक स्वाद के अनुसार। तो देखिए फ्रेंड, ये लिया है हमने सेंधा नमक स्वाद के अनुसार, क्योंकि हम ये बर्थ की खिचड़ी बना रहे हैं। और अब हम कुकर को बंद करके इसमें 3 सीटियां लगाएंगे। तो देखिए फ्रेंड, कुकर में हमारी सीटी लगकर तैयार हो गया है और खिचड़ी हमारी बिल्कुल बनकर तैयार हो गया है। और अब हम सारी गैस को निकाल कर कुकर को खोल कर दिखाएंगे। तो देखिए फ्रेंड, खिचड़ी हमारी कुछ इस तरीके की बनकर तैयार हुई है। अगर आप इनको आलू को और लौकी को हल्का सा मैश करना चाहते हो तो आप इस तरीके से मैश कर सकते हो।
तो देखिए हमारी साबूदाने की खिचड़ी बिल्कुल बनकर तैयार हुई है। ये एकदम हेल्दी और टेस्टी होती है फ्रेंड, ये वेट लॉस होती है। आप इसे कितना भी खाइए, आपका वेट नहीं बढ़ेगा बिल्कुल भी। और अब हम निकाल लेंगे एक प्लेट में। तो देखिए फ्रेंड, ये खिचड़ी की रेसिपी अगर हमारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और नहीं लगी तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो। तो देखिए फ्रेंड, ये हम हल्के से घी के साथ इसको सर्व करेंगे और साथ ही लेंगे दही। आप चाहें तो बिना दही के भी इसको खा सकते हो। तो देखिए फ्रेंड, साबूदाने की खिचड़ी बिल्कुल हमारी एकदम वर्ल्ड स्पेशल बनकर तैयार होगी। आप इस तरीके से एक बार ज़रूर ट्राई करिए।